दोस्तों सभी को मेरी आवाज आ रही है। जल्दी जल्दी बता दो यार। सबसे पहले सॉरी तो मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि लाइट मेरे ऊपर नहीं है। अब लाइट चले गया तो लाइट वाली चीजें मेरे ऊपर नहीं है, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट करना स्टार्ट किया वैसे ही लाइट चली गई। और अभी जस्ट हम क्रोमा का सेटअप कर रहे थे कि सोचे कि हम क्रोमा पे आ जाते हैं लाइव। तो जैसे ही हमने क्रोमा का सेटअप जैसे ही पूरा का पूरा तैयार किया तुरंत लाइट आ गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर हम पैनल पे ले लेते हैं। तो पहले आप सेशन को फटाफट शेयर कर दो। आज हम पूरे के पूरे स्टार्टिंग के 7 लेसन कवर करने वाले हैं। और आपको जैसा कि पता होगा, जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने परसों 4 लेसन कंप्लीट किए थे। उसके पहले हमने Physics 1 के पूरे पूरे, पूरे कंप्लीट किए थे। बट हम अब दूसरे ट्रिक से जा रहे हैं कि कम से कम टाइम में आप अपने सिलेबस को कैसे कवर करोगे। तो दोस्तों हमने यस बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हैं। यस गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज हम जैसे हमने कल टोटल 5 लेसन Physics 2 के कवर किए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लगभग वो सब पार्ट कवर कर लिया होगा। Physics 1 के पार्ट को अब फास्ट आपको कैसे करना है, इवन इसमें जो थियरी के क्वेश्चन है उसको आपको फास्ट कैसे कवर करना है, तो ये सेशन आज का बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आज सेशन को जितना शेयर करके, जितना शेयर हो सके भाई उतना शेयर करो और वीडियो को लाइक करते जाओ। और प्रदीप सर के लिए एक हार्ट चलना चाहिए। मैं प्रदीप सर को बुलाना चाहता हूँ, तो प्रदीप सर भी आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी एक कमेंट प्रदीप सर के लिए कर दो कि प्रदीप सर जल्दी से आ जाए, क्योंकि हम लगातार काम आपके लिए कर रहे हैं। आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है पर आपसे ज्यादा थक हम गए। तो चले स्टार्ट करें जल्दी से, जल्दी से एक बार स्टार्ट। हाँ तो फर्स्ट, तो देखो भाई ये फर्स्ट लेसन है रोटेशनल डायनेमिक। फर्स्ट लेसन है दोस्तों रोटेशनल डायनेमिक। फटाफट फटाफट सेशन को जितना शेयर कर सकते हो दोस्तों उतना शेयर करो। अब जल्दी जल्दी हम आ रहे हैं और बहुत जोरदार तरीके से हम सभी चीजों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेन उधर है। तो अब बहुत ही शानदार तरीके से आप, जैसे आपने अपना Physics 2 कंप्लीट किया, अगर आप चाहते हो अपना Physics 1 शानदार तरीके से कंप्लीट करने के लिए, तो अपना बुक ले लो, टेक्स्ट बुक निकाल लो फटाफट। और हम जो नोट्स बता रहे हैं उस नोट्स को उसके अकॉर्डिंग जो चीजें पेंसिल से आप मार्किंग करते रहना और फटाफट हम चीजों को स्टार्ट कर देंगे। तो सर आ चुके हैं, अब देखो वन बाय वन चीजें स्टार्ट सो गाइस, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अभी कुछ बच्चे ये थे कि सर अब लाइट तो मेरे हाथ में है नहीं, लाइट तो आपको पता है मेरे हाथ में है नहीं, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है। जैसे मैं चालू करने गया वैसे ही लाइट चला गया। दो चार बच्चों को मैंने देखा कि सर किधर है किधर है। भाई आपको पता है जब मैंने चालू किया है मैं तो ऑलरेडी सब करवा चुका हूँ, फिर भी हम लास्ट टाइम आपके लिए लड़ रहे हैं। अब लाइट चला गया, लाइट तो मेरे घर पे बनता नहीं है, फिर भी आपके प्रे से तुरंत लाइट आ गई, तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया। अब इतना तो आपको समझना चाहिए। अब देखो गाइस स्टार्ट करते एक बार हार्ड हो जाना चाहिए फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग ये जो सेशन में है हम आपको क्लियर कट बताना चाहेंगे कि हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिया है, सब कुछ करवा दिया है। अब लास्ट टू लास्ट डिटेल में पढ़ाने का कुछ भी टाइम नहीं है, कुछ भी टाइम नहीं है। और एक आज बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हम लोग बीच में सेशन में, सीईटी से रिलेटेड ही। ओके वो यूट्यूब से रिलेटेड है। हाँ यूट्यूब से रिलेटेड, सीईटी से रिलेटेड कुछ है, वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ रोटेशनल डायनेमिक के अंदर, अगर रोटेशनल डायनेमिक के अंदर देखोगे तो ये स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस है जिसको बच्चा सर्कुलर मोशन या खुद भी फटाफट फटाफट पढ़ सकता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको भी डायमेंशन बच्चा पढ़ सकता है, रेडियस वेक्टर ये आराम से पढ़ सकता है कि एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर, एक ही लाइन में मैंने दिया है जिसको बच्चा आराम से पढ़ सकता है। इसके बाद गाइस ये इसमें भी कुछ इतना बड़ा नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी अपने से कर सकता है, फिर फ्रिक्वेंसी बहुत बार आ चुका है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम ये भी आपका आराम से हो सकता है। अब ये देखो ये बस आपको इतना याद रखा, मैंने बोला है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आप सभी को बताया कि हम वो काम करने वाले हैं कि हमारे पास तुरंत तुरंत हम क्या करेंगे। तो मैंने आप सभी को बताया कि आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिट अगर ये कलर आई थिंक दिखेगा नहीं, वाइट, ओके तो आप सभी को सेंट्रीपिटल फोर्स पता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपने याद रखा होगा, mv2/r, म्यू एन याद रखो, म्यू एन याद रखो कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है mg, फिर इसके बाद दोनों साइड्स की जो चीजें सेम सेम है उसको कट करो और ये आपका हो जाएगा। सर ये नोट्स कहाँ मिलेगा? भाई नोट्स कहाँ मिलेगा इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, कितने बार दे चुका हूँ, तो भाई ये अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर एंगल ऑफ बैंकिंग में, मैंने एंगल ऑफ बैंकिंग में राहुल सर बस बच्चों को एक बताया बोल रहे कि सर बुक में नहीं बताओगे क्या? भाई
ये वाले पार्ट के लिए नोट सबसे ज्यादा आपको ये उल्टा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये वाले पार्ट पे डेरिवेशन बहुत ज्यादा है तो अगर आप बुक में देखने जाओगे ना तो ये सब आप समझ नहीं पाओगे। हाँ। उल्टा नोट्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप देखो ये वाला जो डेरिवेशन है, अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग का जो डेरिवेशन है, स्टार्टिंग में अगर आपने एक मिनट अपना दिया, फटाफट आप इसके नोटेशन देख लो, फटाफट ये डायग्राम आप फटाक से देख लो भाई, अगर जो लास्ट टाइम में पढ़ रहा है वो देख लो भाई, यहाँ पे एमजी है, यहाँ पे एन कॉस थीटा है। नहीं नहीं, और ये छोड़ो, ये डायग्राम बनाने के लिए ड्रॉ करो, पर डेरिवेशन के लिए ये चीज याद, हाँ बस ये याद कर लो। देखो ये देखो एन कॉस थीटा है, नीचे क्या है एमजी है। पहला लाइन ऐसे लिख सकते हो कि एन कॉस थीटा बैलेंस बाय एमजी और ऑफ साइन थीटा, बस ये लिखा। और जो सर लाइन बता रहे हैं वो लाइन अगर आप आराम से अपने दिमाग में बिठा लोगे तो फटाफट चीजें कवर हो जाएगी। ओके, अब देखो आपको पता है कि लास्ट टू लास्ट लास्ट में एक बच्चा रिवीजन करने वाला बच्चा होता है, एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसको लास्ट टू टाइम कुछ पता चल जाए और फटाफट कर ले, और जो बच्चा ऑलरेडी टॉपर होता है उसका सब हो चुका है, रिवाइज कर रहा है। तो मैं आप दोनों के लिए काम कर रहा हूँ। तो एन कॉस थीटा बैलेंस बाय एमजी F sin theta, ये दोनों आपने लिख दिया। और दूसरा जो आपको बताना चाहूंगा, ये जो हॉरिजॉन्टल में है, ये n sin theta plus f cos theta equal to क्या लिख दो, mv square upon r। ये मैं कलर यहां चेंज कर देता हूं, क्योंकि यहां देखो एक झटके में हम लोग कर देंगे। ओके, क्योंकि एटलीस्ट आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ओके, ये n sin theta plus f cos theta equal to mv square upon r। ओके, ये दोनों कर लिया। ये दोनों करने के बाद अब इक्वेशन में आपको पता है कि दोनों साइड से एन एन कॉमन आ जाएगा, और जहां म्यू है वहां एम जी हो जाएगा। और यही करके ये देखो सिंपल सा कहां गया, ये देखो फास्ट रिवीजन भी हो रहा होगा, जिन्होंने पढ़ लिया होगा ना पहले उनका रिवीजन और भी हो रहा। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए डायग्राम आपको ये ड्रॉ करना है, जो आपका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने फ्री मटेरियल सेक्शन में बनाया हुआ है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डायग्राम ड्रॉ करके, ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इससे रिलेटेड दो लाइन यहाँ लिख दी, एन कॉस थीटा बैलेंस बाय एम जी एन साइड थीटा, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, बस काम खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर इसके बाद इसका अगर अगर आपको डेरिवेशन समझना है तो ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन बताया हुआ है अपने डिटेल लेक्चर में, पर जिन बच्चों को नहीं पता है, ये देखो स्टार्टिंग में मैंने दो चीजें बोली, ये दो इक्वेशन समझ के रखो, ये दो इक्वेशन समझ के रखो, उसके बाद आगे का पार्ट आपको डिवाइड करना है, फिर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, बस फिर आगे आप कर लोगे। और बीच में अगर कुछ गड़बड़ भी की है ना, हाँ, लास्ट वाला फाइनल आंसर तक आप याद रखो, फाइनल आंसर बस आपको क्या करना है, याद रखना है कि भाई मुझे फाइनल आंसर कहाँ पे पहुंचना है। अगर आपने फाइनल आंसर अपने दिमाग में बिठा के रखा है तो उससे आपका न्यूमेरिकल का भी काम हो जाएगा। देखो ये वाला जो फाइनल आंसर है ये आप अपने दिमाग में बिठा के रखो, और इसमें अगर ऑप्टिमम स्पीड आया तो बस क्या रखने का, म्यू के जगह जीरो रखने का, कमेंट कर दो भाई। ओके, म्यू के जगह जीरो रखने का, अगर म्यू के जगह जीरो रख दोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, बस क्या बचेगा, एमजी अंडर रूट आर जी टेन थीटा, टेन थीटा बस ये। तो देखो सर ने जो बताया, आप ये फाइनल इक्वेशन याद रखो, वहां स्टार्टिंग का पार्ट याद रखो, लास्ट टाइम पे आपको ऐसे ही पढ़ना है, और फटाफट अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। उनके लिए बता रहा हूँ जो कुछ नहीं पढ़े, ऐसे लिखेंगे ना भाई निकल जाओगे आराम से, पहले बता रहा हूँ। और ये जो इंपॉर्टेंट के चक्कर में आप पढ़े हो ना, और एंगल ऑफ बैंकिंग देखो, आपने स्टार्टिंग का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, स्टार्टिंग में दो इक्वेशन डायग्राम को देख के ही आपने बना दिया, इसको इससे बैलेंस कर दिया और इक्वल टू ये कर दिया और ये कर दिया। फिर इसके बाद आपने डायरेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग, ये फॉर्मूला बस याद है राहुल सर, बस ये वाला फॉर्मूला जिसको याद है ना, ये वाला देखो, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये देखो, वी इक्वल टू, अभी हमने देखा कि ये थीटा दोनों जीरो हो गया, क्या बचा, आर जी टेन थीटा। अब रूट इस साइड आ गया तो क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स आर जी अपॉन टेन इनवर्स स्क्वायर अपॉन आर जी, हाँ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, देखो इक्वल टू, एक फॉर्मूला आप याद रखो, दो तीन चीजें अपने आप हो जाए। देखो भाई इसको कहते हैं गेम, अब आगे चलते अब इससे ज्यादा आप इतना टाइम नहीं आपके पास कि अब अगर हाँ आपने सब कुछ पढ़ा है तो आपका तो हो ही गया होगा। थियरी का टेंशन नहीं लेना है, नहीं यहाँ पे बस आपको देखो स्टार्टिंग में हमने कुछ दिया है, ये कंसिडरेशन अगर आप स्टार्टिंग में करते हो तो फटाफट हो जाएगा। ये भी नहीं, अरे ये भी छोड़ो, ये भी नहीं पढ़ना है, ये डायग्राम बस प्रैक्टिस करना है राहुल सर, लिखना है कि टेंशन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ये टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, वर्टिकल टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल टी साइन थीटा। भाई याद कर लो, अभी वर्टिकल में हम कॉस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में हम क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, उस वाले डायग्राम में भी था, बस अगर आप ये लास्ट टाइम में अगर कर लेते हो ना तो आप आराम से ये डेरिवेशन भी पूरा का पूरा झंडे गाड़ के आओ। बोलते या फिर इसके बाद टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एमजी बैलेंस कर रहा है, ये दिख रहा है, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी लिख दो, और टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा क्या देता है, टी साइन थीटा इक्वल टू एमवी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। ये जिन बच्चों का कुछ नहीं हुआ है भाई, ये डायग्राम
और ये दो चीजें लिखिए तो उनको तीन में से दो डेढ़ मार्क्स दो मार्क्स आराम से मिल जाएगा। और लास्ट वाला फाइनल रिजल्ट अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फाइनल रिजल्ट देखो टाइम पीरियड का फाइनल रिजल्ट समझ याद कर लो जल्दी से लिख दो भाई टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। बस इसी को उल्टा कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब फ्रीक्वेंसी वाला तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया 1 अपॉन टाइम और टाइम इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब देखो राहुल सर बस पता है क्या याद रखना है वीसीएम में, वीसीएम में देखो टेंशन अंदर के साइड है, टेंशन अंदर के साइड है और mg कॉस्ट यहां देखो ये देखो फिर से आपको ये देखो x एक्सिस पे कॉस थीटा ही दिख ये 10 है और माइनस दोनों अपोजिट साइड में तो दोनों माइनस लिख के t माइनस mg कॉस थीटा एकदम सिंपल तरीका। और ये दोनों क्या दे रहे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहता है तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv स्क्वायर अपॉन r। ये देखो mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू माइनस mg कॉस थीटा ये याद कर लिया। दो चीजें और दिमाग में रख लो राहुल सर दो चीजें बस और ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है बस खत्म टाटा बाय बाय होने जा रहा है। ऐसे ही आपको फटाफट अपनी चीजों कवर करना है। अगर आप ये डेरिवेशन आया तो आपने इतने स्टेप्स याद रखे एक आध पॉइंट नहीं लिखा तो भी देखो आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे टेंशन खत्म हो जाएगा। किसी की नजर लग गई है तो ठीक है देखो ध्यान दो एक याद रखो टी ऑफ बी पे टेंशन यहां टेंशन ये सब लिख देने का नहीं पता है टी ऑफ बी पे टेंशन जीरो होता है ओके यहां की वेलोसिटी आप सभी को मैंने बताया है वी इक्वल टू अंडर रूट फाइव आर जी होता है यहां अंडर रूट यहां कितना होता है अंडर रूट आर जी होता है और यहाँ अंडर रूट थ्री आर जी होता है। परवेश बोल रहे हैं सर पार्ट टू ले लो अंडर रूट आर जी होता है बस पार्ट टू ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग बट परवेश आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए ओके बस ये इतना कर लिया ना और फिर इसके बाद दूसरा और तीसरा ये ऐसे ही फाइंड करना है। ये देखो राहुल सर ये पीपीटी इतना भारी बनाया ना इतना भारी बनाया कि क्या ही बताओ ये देखो बस इसके अंदर हमें बस खत्म और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ये सर यहाँ से फाइनली आप जल्दी से नहीं नहीं ये भी नहीं करना है अरे ये बस वैसे ही बता दो ना नहीं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बस इतना याद रखना है। अगर डेफिनेशन है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कोई रेडियस मत लिख देना ये परपेंडिकुलर एक्सिस है और ये हमारा मास है और दोनों का प्रोडक्ट बस ये फॉर्मूला याद रखो ये फॉर्मूला याद रखो काम हो गया। और व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है okay. चलते आगे देखो ये यूनिट यूनिट याद रख लो फटाफट कमेंट कर दो भाई यूनिट अरे यूनिट भी नहीं याद रखना है मास का केजी होता है और डिस्टेंस है मीटर और डायरेक्ट ये भी याद कर लो और डायमेंशन ये देखो अब चलते हैं ऊपर ये देखो सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है इसके अंदर कुछ ज्यादा दम नहीं है काइनेटिक एनर्जी एक झटके में काइनेटिक एनर्जी का बस आप एक चीज याद रखोगे ना ये देखो मैं कलर व्हाइट ले लेता हूँ ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा 1/2 mv स्क्वायर राहुल सर mv स्क्वायर और फिर इसके बाद v क्या होता है v का फॉर्मूला v इक्वल टू r ओमेगा होता है तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर कर दो पहले पार्टिकल के लिए ये वन इसको वन नहीं लेना ये सेम रहता है तो पहले के लिए काइनेटिक एनर्जी वन ये हो गया दूसरे के लिए ये हो गया और सबको ऐड कर दोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका जो आएगा याद कर लो देखो 1/2 में दिखाता हूं mr मतलब i होता है और ये ओमेगा स्क्वायर मैं डायरेक्ट ही बता दिया ये देखो देखो भाई अगर फास्ट रिवीजन करना चाह रहे हो तो ऐसे जल्दी जल्दी आप चीजों को कवर कर सकते हो अब वो टाइम नहीं बचा ये देखो आई ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये हमारा आई हो गया और ये नोट्स आपको प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन पे फ्री वहां पे दिखाई दे रहा होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी दो सरफेस डेंसिटी फाइंड करनी है एक सरफेस डेंसिटी का जो मास अपॉन एरिया दूसरा भी मास अपॉन एरिया और दोनों को बैलेंस कर दो ओके ये काम हो जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन ये डेफिनेशन के लिए आपको आ सकता है बस ये याद रखो इसी को खुद डेफिनेशन बना देने का k इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम इसके अंदर ही सबसे ज्यादा डेरिवेशन है ओके आगे ये देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पहले ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये देखो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का राहुल सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का ये देखो ये अपना डिस्टेंस दिया हुआ है
ओपी स्क्वायर इंटू मास, मास कितना डीएम, ओके इसका फाइंड किया, देन इसी तरह से आई ऑफ सी का फाइंड करने का, देन ये जो नाम लिखा हुआ ओसी, ओसी स्क्वायर इंटू डीएम, ये हो गया। फिर इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखो ध्यान दो, एकदम सिंपल सा भाई, ये छोटी छोटी चीज याद रखो, पहले ये पूरे वाले में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, फिर इसके दूसरे वाले में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और जो वैल्यू आई वो इसके अंदर पुट कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। सुबह का सेशन चाहिए क्या रिविजन के लिए? और ये हो गया इस तरह से। फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में बस इतना याद रखो, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आया तो आपको बस ये याद रखना है कि आई ऑफ एक्स फाइंड करना है, अगर आई ऑफ एक्स फाइंड करना है तो राहुल सर पता एक्स फाइंड करना है तो याद रखने का डीएम इंटू वाई स्क्वायर, बस इतना याद रखो, ये सब कहीं पे नोट डाउन करके रखो। और आई ऑफ वाई है, वाई का उल्टा क्या फाइंड करने का एक्स, देखो राहुल सर भी बता रहे एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद जेड, जेड के लिए डीएम इंटू आर स्क्वायर, और बस आर के जगह पे ये देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इस आर के जगह बस सब में इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, बट मैं आप सभी को सिंपल थोड़ा डायरेक्ट याद हो इसलिए करके दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना भी तुम करोगे तो भी तुम्हें कुछ मार्क्स मिल जाएंगे यार, समझ में है, इतना भी करोगे तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें, कुछ छोड़ने से अच्छा है कि कुछ लिख के आओ। अब देखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो एल इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है एल इक्वल टू पी इंटू आर होता है, ये मेन फॉर्मूला है आपको याद रखना चाहिए, और ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या क्या होता है, एम इंटू वी इंटू आर, ओके देखो पी के जगह पे एम इंटू वी रख दिया, अब वी के जगह पे, वी के जगह पे वी का फॉर्मूला क्या होता है आर ओमेगा, ओके ये देखो एम आर आर स्क्वायर ओमेगा, अब बस सबके जगह क्या रखने का एल वन, ये पहले के लिए एल वन, इतना ये वाला बस याद रखो एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा, राहुल सर एल टू के लिए क्या लिखेंगे, ये वाला याद रखो एम टू आर टू का स्क्वायर ओमेगा, और सबको लास्ट में क्या कर देने का प्लस, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा एल इक्वल टू आई हो गया, आराम से चलो 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 ऊपर, ये हो गया ये डेरिवेशन, बस ये इतना दिखने के लिए डेरिवेशन है। टॉर्क, टॉर्क के लिए राहुल सर बता दो फटाक से, आ गया राहुल सर, अब आगे पीछे क्यों भाग रहे, अरे नीचे क्यों नहीं जा रहे, ये देखो देखो टॉर्क के लिए बस इतना याद रखो, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, टॉर्क के लिए बस ये याद रखो टॉर्क का मेन फॉर्मूला आर इंटू एफ, इसके बाद आर एफ का क्या फॉर्मूला होता है, एफ का फॉर्मूला हमने देखा था मास इंटू एक्सलरेशन होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, अब आर एक्सलरेशन का क्या होता है, एक्सलरेशन का आर इंटू अल्फा, तो आपको ये ऊपर वाला याद नहीं रखना है, बस ये वाला याद रखना है, ये नीचे वाला टॉर्क इक्वल टू पहला टॉर्क आर वन का स्क्वायर एम अल्फा, ओके फिर पहला दूसरा और सबको क्या करना है लास्ट में प्लस कर देना है। ओके अब देखो ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके अंदर बस ये याद रखना है बैलेट डांसर में कि एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है, और जब एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज होता है तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगा, बस यही दो चीजें याद रखनी है। अब देखो हम फटाफट आपको चीजें बताते जा रहे हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ओके रोलिंग मोशन के अंदर, रोलिंग मोशन के अंदर याद रखो दो चीजें याद रखो रोलिंग मोशन के अंदर, फनी शॉट्स आपको कभी नहीं समझेगा, समझ में आएगा, क्योंकि आप जब लास्ट के टाइम बैठने आ रहे हो इसलिए आपको उड़ा दिया हम लोगों ने, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट उड़ा दिया, एकदम टीएसएस ही हो आप, टीएसएस पूरी तरह से टीएसएस हो,
यहाँ ये दिमाग जो रहना चाहिए लास्ट के टाइम, अगर आपको इतना समझना है तो आप जाके डायरेक्ट, मैंने डिटेल वीडियो बनाया है उसमें दिन भर में एक वीडियो देखो, समझ में आ रहा है, दिन भर में एक वीडियो देखो तो आपको समझेगा। अभी इस समय उन बच्चों के लिए काम किया जा रहा है जो बच्चों कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सुन के लिख ले, आप जिसको समझना है वो एक्सलरेशन। अगर मैं अभी एक ये सॉल्व करवाऊं हाथ से, एक सॉल्व करवाने आपको टाइम चला जाएगा। नहीं पहले सर, लास्ट 5-5 मिनट में आप बता दो फटाफट, हाँ। लेसन में कैसे कैसे देखो रोलिंग मोशन देखो, के ये नोट्स आपको मिल जाएगा, 5-5 मिनट में एक एक लेसन बता दे रहे कि किस तरह से आपको फास्ट कवर करना है। और ये जो हेलो हेलो अंकिता है ना, उनको उड़ा दिया जाए भाई, हेलो अंकिता वालों को। ये लड़के के चेहरे में लड़की है, नहीं लड़की के चेहरे में लड़का है, सॉरी। तो ये देखो एनर्जी वाला ये फॉर्मूला याद रखो। अब इसके बाद एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का ये वाला फॉर्मूला रखा है, इसके जगह वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करो। ये रोलिंग मोशन का इस बार आने के चांसेस पूरे हैं। देखो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो लास्ट टाइम में अगर मैं यहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व कराऊँ तो कुछ मतलब नहीं है, पर वही अभी सर लिखा रहता तो मैंने बोला कि फटाफट अपन ऐसे बता दे रहे हैं जैसे हमने कल देखा। लिख लिख के बता दूं, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लिखने की अब जरूरत नहीं है, अब अपने को फटाफट चीजों को बस मैं आपको बताते जा रहा हूँ, और उसके बाद आप फास्ट अपना बुक ये नोट्स निकालो, और इस नोट्स निकाल के फटाफट आप चीजों को देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, तो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आपको कोहेसिव फोर्सेस दिखाई दे रहा होगा, एडहेसिव फोर्सेस दिखाई दे रहा होगा। अब देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई सेम सब्सटेंस, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डिफरेंट सब्सटेंस। तो हम थियरी भी आपको करवाते जा रहे हैं, अगर आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस आया तो जस्ट आप एक्सप्लेन करो। अब देखो यहाँ पे रेंज ऑफ, अब अगर आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे रेंज ऑफ मॉलिकुलर अट्रैक्शन है, तो बस आप ये वाला एक याद रखोगे पॉइंट तो भी आप दिमाग से अपने आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अब अगर ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे, अब सरफेस टेंशन, अब देखो यहाँ पे ये देखो ये जस्ट डायग्राम को आप कवर करोगे, और इसमें से एक दो पॉइंट आपको बस यहाँ पे लिख देना है, इससे ज्यादा आपको कवर नहीं करना। इसमें हर जगह कोहेसिव फोर्स है, इसके अंदर ज्यादा कोहेसिव, बी वाले में ज्यादा कोहेसिव फोर्स है, कम एडहेसिव फोर्स है, इसमें इक्वल कोहेसिव एडहेसिव है, पर एडहेसिव की डेंसिटी कम है, कोहेसिव तो ज्यादा, इसलिए सरफेस डेंसिटी। देखो सर ने जो बोला बस वो पॉइंट आप अपने दिमाग में, यहाँ सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। अब देखो सरफेस टेंशन का आप डेफिनेशन याद रखो, बस ये डायरेक्ट आप सरफेस टेंशन का डेफिनेशन याद रखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट ये याद रखोगे। देन इसके बाद देखो यहाँ पे देखो इसका यूनिट है, देखो आप यूनिट वहां पे देखो यूनिट दिया है, एक सेकंड, यूनिट दिया और डायमेंशन वो आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लिक्विड, अगर आप टाइप्स ऑफ लिक्विड अगर यहाँ पे देखोगे तो बस ये तीन तीन चीजें बस याद रखो। देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो है, थीटा देखो लेस देन 90 है, और यहाँ पे क्या है मोर देन 90 है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कभी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखना है, ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रखना, लिक्विड वाला और लिक्विड सरफेस के वाला। हाँ ये देखो ये एग्जाम में आता है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, तो ये फटाफट आपको देखो कवर कर लेना है। ये वाला डेरिवेशन में बस याद रखो दो चीजें, यहाँ पे बता दो, यही बता रहा हूँ, दो डी डब्ल्यू फाइंड करो, पहला डी डब्ल्यू एंड दूसरा डी डब्ल्यू, पहला डी डब्ल्यू पी इक्वल टू डी अपॉन ए डी डब्ल्यू से फाइंड करना है, और दूसरा वाला जो डी डब्ल्यू है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से फाइंड करना है, समझ में आया। दो डीडब्ल्यू फाइंड करना, देखो ये देखो यहाँ पे एक डीडब्ल्यू यहाँ से निकाला गया है, देखा ये देखो यहाँ पे निकाला गया, आप अपने नोट्स में देख सकते हो, पीडीएफ मिलेगा यार, टेंशन मत लो। और देखो दूसरा वाला डीडब्ल्यू देखो सर ने बताया कि फोर्स अपॉन यहाँ पे देखो यहाँ से इससे हमें निकालेंगे, तो बस हो गया। फिर इसके बाद आप आराम से, और ये अब फाइनल इक्वेशन याद रखो, अरे इसके अंदर बस ये याद कर लो और बीच वाला और फाइनल इक्वेशन, समझ में आ रहा है। अब देखो गाइस लास्ट टू लास्ट, अगर जिसका नहीं हुआ है मैं बता रहा हूँ, वो क्या करेगा, वो क्या बैठा रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर लास्ट टू लास्ट अगर मैं एक एक घंटा अगर डिटेल में पूरा वीडियो बनाया गया, देखो यहाँ पे देखो कैपिलरी ट्यूब का डेफिनेशन है, एक झटके बता दो राहुल सर, ये मैं थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से देखो, फटाफट आपको चीजें हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ खुद एक्सप्लेन करना, बट टाइम नहीं यार, तुम्हारा टाइम लॉस होगा। ये देखो ये सेम टू सेम डायग्राम बनाना है, ये सेम टू सेम राहुल सर ये। और अभी एक चीज मैं आपको सच बोल दूं कि भाई अब आपको लेक्चर्स देखना आप ज्यादा जरूरी नहीं है, बस आप यहाँ पे चीजें समझो, और जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना, अब मैं अगर समझो यहाँ पे लेक्चर्स लूँ तो मुझे बेनिफिट है, मुझे बहुत बेनिफिट है, बट आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए हम फटाफट चीजें बता रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, फटाफट पढ़ने चले जाओ। जैसे आपने फिजिक्स 2 कवर किया वैसे फिजिक्स 1, थैंक यू सो मच इतना अच्छा हार्ट दिखाने के लिए, तो लोग नीचे हार्ट दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फटाफट हम कवर करते हैं। नहीं बस ये एबीसीडी याद रखा राहुल सर, ये देख के पता चल रहा है नीचे की तरफ है, मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ कलर बना दूं एकदम एक झटके में,
पीछे की तरह, मतलब प्रेशर ए के साइड ज्यादा है कंपेयर टू अब देखो राहुल सर आपको भी दिख रहा होगा प्रेशर ए ज्यादा है कंपेयर टू प्रेशर बी। अब ये दोनों एटमोस्फेयर में है, मतलब प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए, दोनों एक ही साइड है एटमोस्फेयर में तो दोनों इक्वल हो गए। और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब दोनों साइड प्रेशर क्या है सेम है, तो पी ऑफ सी इक्वल टू पी ऑफ डी। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, नोट से इनको बता दो ना इसमें भी। नहीं नहीं ये रहने दो, अगर ये आपसे नहीं तो ये दोनों अगर सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ डी। तो मैं ए की जगह पे क्या रख सकता हूँ डी, डी तो therefore, P of D is greater than P of D. राहुल सर ने भी इक्वेशन देखा नहीं था। अब सिंपल सी बात है D के साइड प्रेशर, ये देखो राहुल सर D के साइड प्रेशर क्या है ज्यादा और B के साइड क्या है कम है, तो ये तब तक ऊपर बढ़ेगा जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं होगा, तो इसमें प्रेशर राइज। भाई देखो जो सर ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया यही आपको फटाफट क्या कर देना यहाँ पे लिख देना, उसके अकॉर्डिंग चीजें हो जाएगी। इसके अंदर का मैं बताना चाहूंगा इसमें से नहीं समझेगा। अब देखो इसके अंदर ये बस ये याद रखो ये देखो इधर यहाँ आपको दिख रहा है ये देखो टी कॉस थीटा वर्टिकल है तो किसको बैलेंस कर रहा है टी कॉस थीटा, एक मिनट रुके रहो एक चीज लिखना मुझे बाकी है, इक्वल टू ये डायग्राम देखो ऊपर टी कॉस थीटा तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एक मिनट रुके रहना चिल्लाना मत सॉरी यहाँ कुछ और आएगा तो यहाँ टू पाई आर भी आएगा क्योंकि टी कॉस थीटा हर जगह लगा है, बस एम जी को आप चेंज कर दो, एम जी मतलब मास कैसे निकालते हैं रो इन टू वी और वी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस राहुल सर एच निकल जाएगा। सबसे बात सर सब लोग हार्ड चला दो, ये देखो भाई यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है इसको नहीं पढ़ना, ये डायरेक्ट यही पढ़ो डायरेक्ट ऐसे ही प्रदीप सर बताते जाऊंगा डायरेक्ट। अब इसके लिए तो हार्ड चलना चाहिए जबरदस्त हार्ड चलना चाहिए झटके में, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताऊंगा ये भाई मैं भी मजबूर हूँ यार क्या कर सकता हूँ यार, बस ये विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। एक बोल रहा है लॉग टेबल एक्सप्लेन करो उसके लिए क्लैपिंग होना चाहिए भाई, अब क्या कर सकते हैं अब कल एग्जाम है अगर मैं यहाँ लेक्चर भी लूंगा वो भी गलत है। देखो जो चीजें बता रहे देखो यूनिट ये सब देख लेना नोट्स में फटाफट, देखो स्टॉक्स लॉ देखो नहीं है, स्टॉक्स लॉ बस ये याद रखो, देखो ये बस याद रखो, देखो ये इक्वेशन याद रखोगे आप फटाफट इसमें सॉल्व कर दो आर बी एम, ये सभी बताया था पता जब पंच का बादशाह 3.0 डिटेल ले रहे थे पूरा साल भर पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे लोग गायब थे, और 6 पाई इक्वल टू वहां पे कांस्टेंट ले लेना है भाई तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूं। ये टर्मिनल वेलोसिटी का यहां से डेरिवेशन देख लेना है कुछ नहीं, देखो mg इसका भी mg और अभी हमने देखा 6 पाई r1g अभी हमने स्टॉक्स लॉ में देखा, देखो राहुल सर को याद हो गया m रो भी बाद में कैलकुलेशन आपको फटाफट समझ में आएगा, मैं बोल रहा हूं बाद में बात का कुछ नहीं हुआ ये ऊपर वाला याद रखो बीच का एक पॉइंट नीचे का फाइनल, नीचे का फाइनल आंसर याद रखो ऐसे ही फटाफट कवर करना है ज्यादा टाइम नहीं लेना है। बर्नौली इक्वेशन मैं बोलूंगा देखो बर्नौली इक्वेशन इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इसलिए बर्नौली इक्वेशन के लिए मैं बोलूंगा बर्नौली इक्वेशन सर्च करो और साथ में लिखो गिरी ट्यूटोरियल, बर्नौली इक्वेशन और गिरी ट्यूटोरियल तो उसमें मिलेगा उसको 10 मिनट भगा के देख लो, लॉग बुक नहीं मिलेगा लॉग का पेज आपको मिलेगा वहाँ बुक नहीं मिलने वाला। और ये देखो इसके एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस बर्नौली इक्वेशन के लिए मैंने जो बोला ये तो एकदम सिंपल है, ये देखो प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स सबको पता है फोर्स का क्या होता है mg और m के जगह पे क्या लिख सकते हैं रो वी, ये पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि m जगह पे रो वी लिख सकते हैं समझ आओ, v कैसे फाइंड कर रहे हैं इस लेसन में जितने भी डेरिवेशंस है और जो भी इसके अंदर थियरी है उसके शॉर्ट शॉर्ट चीजें एक पेज पे आपको बना लेना चाहिए जिससे आप फटाफट रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। बोल रहे पास में अभी और कितना पास में लॉग टेबल एक्सप्लेन करो, और देखो ये मर्क्यूरी बैरोमीटर हो गया, ये सभी का ये डायग्राम आपको पता रहना चाहिए, लास्ट वाला टॉपिक एंड स्टार्टिंग में दो लाइन बस इतना ही आपको पता रहना चाहिए, इतना पता रहा काम हो जाएगा। लॉग टेबल का वीडियो है भाई और यहाँ आपके दो चैप्टर खत्म, अब आ जाते हैं हम तीसरे चैप्टर। राहुल सर कितना टाइम हो रहा है, अराउंड आधे घंटे के अंदर हमने दो चैप्टर खत्म किया है। अब देखो केटीजी में बस एक ही डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, ये सब तो लॉ है ये बच्चों केमिस्ट्री में पढ़ा,
देखो आपको ये फटाफट बस ये इन शॉर्ट ये सब चीजें अपने दिमाग पे बिठा लो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1/v है, यहाँ पे देखो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, और कॉन्स्टेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आप फटाफट अपनी चीजों को कवर कर लोगे। देन इसके बाद अगर देखो यहाँ पे देखो आइडियल गैसेस है, सर ने ये देखो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं। आप आराम से देखो ये वाला पॉइंट सबसे सिंपल है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर एब्सेंट है, और यहाँ पे क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट, तो ये फटाफट चीजों को कवर करोगे। देन इसके बाद मेन थ्री देखो, ये देखो एक बार देखो ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो। हाँ देखो अब यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, देखो एक मिनट बस दो चीजें याद रखो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक चीज याद रखो कि प्रेशर इसके अंदर यही जो डेरिवेशन थोड़ा डेंजर है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब हम अपने से क्वेश्चन पूछना है कि फोर्स कैसे फाइंड करना है, एरिया कैसे फाइंड करना है, एरिया एल स्क्वायर है और जो फोर्स है फोर्स इसके अंदर किस तरह से फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखो यहां हमने इनिशियल मोमेंटम फाइंड किया है, फाइनल मोमेंटम फाइंड किया है, और कुछ भी नहीं याद है तो डायरेक्ट भाई ये याद कर लो, ये ऊपर रख दो और जो हमारा स्पीड ऑफ डिस्टेंस है वो नीचे रख दो। मतलब ये देखो क्या करो, डायरेक्ट ही इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम याद रखो, ये याद रखो और लास्ट वाला ये याद रखो और डायग्राम आपका काम हो जाएगा, आपका काम डायरेक्ट बाय डायरेक्ट हो जाएगा, समझ रहे। आगे और फिर से बता रहा हूँ, अगर डिटेल में कुछ चीजें समझनी है तो 16 के 16 चैप्टर मैंने खत्म किए हैं, बट सही बोलूँ ना अगर मैं इस समय एक एक चीज करवाऊँ ना इसमें मेरा बहुत ज्यादा फायदा, आपका कुछ नहीं है एक दिन में क्या। पीडीएफ पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, वहां पे पूछा पीडीएफ भी सीन अप, अगर आप पीडीएफ कर लोगे तो बहुत। हाँ आरएमएस स्पीड बहुत सही। ये देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इसमें थोड़ा बहुत कर लेना क्योंकि एग्जाम में आया उससे रिलेटेड। हाँ मेयर्स रिलेशन में याद रखो ये वाला फाइनल वाला, यहां से ये देखो ये वाले, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो डी क्यू वन की वैल्यू ये आपको पता रहना चाहिए, डी क्यू टू की वैल्यू पता रहना चाहिए, फिर डब्ल्यू पता रहना चाहिए, तीनों को पुट करोगे ये देखो फाइनली लास्ट में ये देखो सीपी डी टी सीवी डी टी प्लस पी डी टी, और समय से डी टी कॉमन आ जाएगा और CP इक्वल टू CB इक्वल टू R, एक्चुअली ये R है या P दिखाई दे रहा है R है, ये हमारा सब मेयर रिलेशन है, ये हमारा क्या मेयर्स रिलेशन गाइस, पता है इसके अंदर मेयर्स रिलेशन है। ओमकार की तरह ओमकार नहीं, ये लगता है आजा जा फटाफट। अब देखो मोनोएटॉमिक के लिए आप सभी को बताना चाहता हूं डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, ओके मोनोएटॉमिक के लिए मोनोएटॉमिक डायटॉमिक बस ये याद रखो, ओके नॉन रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए ये वाला याद रखो, और फिर इसके नॉन रिजिड के लिए ये वाला याद रखो, फिर इसके पॉलीएटॉमिक के लिए ये वाला पार्ट और लास्ट में सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गैमा निकाल दो। ये जो मैं दूंगा ना बहुत भारी है, इसमें देखो जिसको कुछ नहीं आता वो तीन चीजें जो बोला वही फाइंड करो। राहुल सर अब ये सब तो बच्चे डेफिनेशन डायरेक्ट याद करके कर सकते हैं, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बस ये याद रखो भाई, ये सब एक एक बार पढ़ लेना, नहीं नहीं ये बस सब अच्छे से दिमाग में एक एक बार बिठा लेना, तो जिससे बहुत सारी चीजें आपकी। इट इज द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट, बस ये यहाँ रिफ्लेक्शन टू टोटल हीट, इसके बाद ट्रांसमिट टू टोटल हीट, बस ये याद रखना है, समझ में ये बस याद रखना है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू टोटल अमाउंट, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट टू टोटल अमाउंट, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट, बस इतना। ये देखो डायथर्मस मतलब जिसमें से हीट पास हो सकता है, अथर्मस मतलब जिसमें से हीट पास नहीं हो सकता है, परफेक्ट एब्जॉर्वर जिसके अंदर ए इक्वल टू वन हो बाकी जीरो हो, परफेक्ट रिफ्लेक्टर जिसके अंदर आर रिफ्लेक्टर मतलब आर आर इक्वल टू वन बाकी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा,
ट्रांसमीटर नाम से पता चल रहा है भाई, ये पढ़ भी लोगे ना तो भी पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर अपने दोस्त से स्टोरी पूछ लोगे, इसके अंदर हीट आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है अंदर की बॉडी ज्यादातर, ये बस डायग्राम कर लो, ये बस डायग्राम करो, ये डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बस डायग्राम करो, समझ में आ रहा है। अरे पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ मेरे घर पे रखा है मैंने, पीडीएफ डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखो इमेसी पावर, देखो ये डायमेंशन और ये जस्ट डेफिनेशन याद कर लोगे उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन लिख दो। क्यों मतलब क्यों, आप सभी को पता है यहाँ रेडिएंट हीट है, रेडिएंट हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पूछ रहा है कहां से हो साक्षी, प्रदीप सर को नहीं पूछोगे कहाँ से हो, साक्षी को जरूर पूछ रहे। तेजस को उड़ाओ भाई, ये उड़ाओ इनको, थोड़ा ओमकर सर थोड़ा उड़ा दो इसको, और क्रिचॉप्स लॉ में बस ये जो मैंने इक्वेशन जिस तरह से लिखा हुआ है बस वही लिखना है, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बस पढ़ना है बस डिस्प्लेसमेंट में। ये देखो ये वाला लॉ बस ये बस ये पढ़ लो, काम खत्म। ये देखो आर मतलब इमिसिव पावर होता है, ये कलर ऐसा दिख ना रहा हो, थोड़ा और बड़ा कर दूं मैं। आर मतलब इमिसिव पावर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारा ये मतलब फोर है, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट सिस्टम खत्म। राहुल सर खत्म, तीन चैप्टर राहुल सर बोलो, बाकी का शाम को ले गया एक ही साथ तो भाई तीन लेसन का हो गया है फटाफट। इसके बाद पीडीएफ से आप जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर सकते हो। देखो थर्मोडायनेमिक में बस वो थर्मोडायनेमिक में ज्यादा सर देखो डेफिनेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर। देखो मैं बता रहा हूँ आइसोथर्मल, आइसोपोरिक, आइसोबोरिक, एडियाबेटिक, फिर इसके बाद हमारा साइक्लिक प्रोसेस, ये सभी जितने प्रोसेस है ना उनका वर्किंग और उनकी तीन तीन लाइने बस ये याद रखना है, और साथ में हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल का डायग्राम और उसके जो डायग्राम्स बने उसके वर्किंग। अब देखो एक सेकंड देखो ये देखो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, फटाफट ये दो पॉइंट अगर आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो गया। देखो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बस अगर आप ये कर लोगे तो आपका काम यहाँ पे तुरंत कवर हो जाएगा। देखो ये और यहाँ पे देखो थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बस ये देखो ये अगर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये तीन पॉइंट्स, और सर ने उस दिन बोला था कि इसके अंदर आप डायरेक्ट ये देखो नो अनबैलेंस फोर्सेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे फटाफट आप ये जो छोटे मोटे थियरी है ना आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, एक सीधी सी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, देखो समझ लो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। राहुल सर आप इधर ही खड़े रहो, भागो मत, ऐसा सीधे लाइन जा रहा है, सीधे लाइन जा रहा है मतलब अगर लाइन ऊपर की तरफ बढ़े या नीचे की तरफ बढ़े, ऊपर की तरफ बढ़े तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़े तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे बढ़े तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऐसे बढ़े तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ऐसे जाए ऐसे ऐसे, बस ये चीज अगर आपने समझ ली तो पीडीएफ में पूरा लिख सकते हैं। एक बार और मैं दिखा देता हूं पूरे बुक के अंदर, बस ये याद रखो, देखो ऊपर अगर सीधे लाइन जा रही है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लाइन नीचे जा रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, राहुल सर लाइन ऐसे जा रही है, लाइन ऐसे जा रही है तो प्रेशर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और लाइन अंदर की तरफ जा रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है, बट जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। बट लाइन अगर ऐसे भाई ऐसे जा रही है ऐसे तो क्या हो रहा है ऐसे जा रही है मतलब नीचे की तरफ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया, बस ये चीजें आपने समझी और सभी के स्टार्टिंग इक्वेशन जो मेरे वीडियोस की थोड़ी थोड़ी चीजें देख लोगे काम खत्म हो जाएगा। ये देखो साइक्लिक प्रोसेस में आपको दिख रहा है सब पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है इनिशियल और फाइनल, पर दिमाग से काम करो भाई। इस समय अगर आप होशियारी ये करोगे कि सर ये कैसे है सर ये कैसे है तो ये सब करने वरने का टाइम खत्म, उन्हीं बच्चों का बहुत बुरा हाल होगा। जो बच्चा अभी थोड़ा थोड़ा समझ के ना क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ के थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स बना लेगा ना वो निकल जाएगा इन दुनिया से, समझ में आ रहा है। ऋतुजा को पता होगा, ऋतुजा हमारे स्टार्टिंग जब पंच का पास था 3.0 है उसमें अटेंड कर रही थी, उसमें हमने डिटेल में पढ़ाया था क्योंकि उस समय टाइम था। अभी टाइम मैं बताऊं तो आपका ही खराब जाएगा। ये देखो इसके अंदर डायरेक्ट में देखो ये देखो हीट इंजन, हीट इंजन के अंदर क्या है हॉट रिजर्वायर है कोल्ड रिजर्वायर है, हॉट से कूल की तरफ जाने के समय कुछ वर्किंग सब्सटेंस के लिए वर्क होता है मतलब इंजन चलता है
और बाकी जो हीट होता है वो कोल्ड रिजर्वायर में चला जाता है, बस इतना ही। क्या बात है, क्या बात है राहुल सर। अब ये देखो सर ने बताया था, ये अगर आपको पता है लाइन ऊपर जा रही है भाई, ये सब बस प्रैक्टिस कर लो फटाफट। अरे कुछ नहीं किया तो लास्ट में ऐसी फटाफट चीजें करना रहता है। नहीं नहीं भाई राहुल सर पूरे मार्क्स मिलेंगे, लाइन ऊपर जा रही है ए टू बी। लोकेश यार बोल रही है पीडीएफ जो है ना वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दो, नहीं दूंगा इतना। आप ऐप डाउनलोड करके वहां से नहीं ले सकते, वहां पे आपको प्रॉपर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे मैं दूंगा तो आप क्या बेचने वाले हो? तो ये देखो सीधे लाइन जाएगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे जा रहा है सर ने बताया, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे जा रहा है, सिंपल सी बात है, नीचे जा रहा है मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ऐसे जा रहा है, ऐसा अभी बताया, ये याद रखना है। तो भाई इसको आपको समझने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ये डायग्राम। गाइस आज एक वीडियो आने वाला है, शायद नोटिफिकेशन ना आए, आज एक वीडियो आएगा जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। इवन एक मैं टॉपर्स का आपको पेपर दिखाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फिजिक्स का पेपर कैसे लिखना है। मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखना। कल हमने फिजिक्स 2 भी कवर किया। कमेंट पढ़ना तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो चीजें है कि आपको सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन भी देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप बहुत अच्छे से, और एक वीडियो आज आपका ये आएगा कि अगर जिनको बस पास होना है, बस उनको पास होना है, तो उनको अब लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए, बस ये दो चीजें आज स्पेशल वीडियोस आपको मिलने वाले। अरे भाई ये जो बोर्ड में पेन से पेंसिल से ढचल रहा है ना, मैं कुणाल, अगर आपके प्रदीप सर पे आपको भरोसा है ना, तो आप जिससे भी ड्रॉ करोगे आपको मार्क्स मिलेगा। बस क्वेश्चन का आंसर पेन से लिखना, बाकी डायग्राम जिससे ड्रॉ करना है उससे करो। ओके आप देखो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के लिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ दिख रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके अंदर ये जो हीट फ्लो हो रहा है ये आइसोबेरिक है। कंप्रेसर क्या आया, तो कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होने के कारण जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। फिर यहां से जब निकलेगा कंडेंसर में, तो कंडेंसर में टेम्परेचर क्या होगा? एक बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्किप कर दूं क्या, लगता है मेरा कल का सेशन नहीं देखते। ओके राहुल सर, यहाँ आपने भी अभी ये चैप्टर देखा नहीं है, ये देखो बस ये डायग्राम याद रखे ना बच्चे, और वो मेरा 5 मिनट का वीडियो देख ले, बस ये डायग्राम याद रखो, डायग्राम में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है उसी से रिलेटेड लिख दो, बस एक बार उसको रीड करके उसी से रिलेटेड। देखो ये इसमें देखो कहां से ही हां ये इक्वेशन पढ़ लेना, कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर, बस डायरेक्ट डायरेक्ट कौन कौन से कंपोनेंट है, हॉट रिजर्वायर वाला कंपोनेंट है, कोल्ड रिजर्वायर कंपोनेंट है, और इसके बाद वर्किंग सब्सटेंस, और ये इक्वेशन बस याद रखना उसके साथ लिख देना। कार्नोट साइकिल सर ने अभी बताया ऐसा जब जाएगा तो क्या होगा, ऐसा जब जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा तब, ऐसा जाएगा तो क्या होगा, कब कांस्टेंट रहेगा, ये डायग्राम बस करो, बुक मत याद करो भाई, अगर आप किसी और कंडीशन पे हो। फिजिक्स 2 हो गया सर, क्या बात है, फिजिक्स 2 हो गया है। चलो फिजिक्स 1 में एक प्रॉब्लम क्या है, डेरिवेशन बहुत है, तो इसमें फिजिक्स 2 की तरह हम नहीं लेके जा सकते, जैसे हमने फिजिक्स 2 की चीजें ली थी वैसे नहीं। ये देखो स्ट्रेंगलिंग साइकिल, फिर से इसी पे फोकस करना है, सीधे लाइन क्या होगा, ऐसे लाइन जाएगा तो क्या होगा, सीधे लाइन जाएगा तो हमने फिजिक्स 2 के नोट्स भी आपको भेजे, सब लोगों ने वो नोट्स देखे कि नहीं देखे भाई, वो नोट्स भी बहुत अच्छे से हमने भेजा है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने नोट्स देखा होगा। और ये देखो ये फिजिक्स 1 के, ये देखो थियरी के नोट्स आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो, एक बार ऐप खोलो और फटाफट रिवाइज करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये देखो बस इसको देखो, ये देखो सीधे सीधे जा रहा है तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ऐसे जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि ऐसा जा रहा है, ऐसे जाएगा तो, और नीचे एकदम स्ट्रेट नीचे जा रहा है तो मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और एक ही पॉइंट पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। मुझे याद हो गया भाई, मैंने बोला इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ध्यान देते हो, जबकि अपने टाइम ये वाला चैप्टर थर्मोडायनेमिक फिजिक्स के अंदर नहीं था, हम लोग तो इंजीनियरिंग में जाके पढ़े। ये देखो स्ट्रेंगलिंग साइकिल, बस ये याद रखो भाई, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट हो गया 4 चैप्टर। राहुल सर फटाफट ये लेसन मुझे, बस एक ही डेरिवेशन है राहुल सर, एक मिनट रुके रहो, वे ऑप्टिक्स में एक ही डेरिवेशन है, आधा पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, आधा पार्ट डेरिवेशन वाला पार्ट है, समझ में आया?
तो देखो भाई ये वाले पार्ट में बस ये नोट्स देखोगे अगर आपको प्रॉपर डे देखो यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव उसको देखो कैसे किया, तो बस ये सब अगर आपको पता होगा देखो यहाँ पे फिर डीएक्स बाई डी टी मतलब क्या होता है आपको पता है वी होता है तो यहाँ पे देखो वी डाल दिया है तो फटाफट, और आपको पता है कि डीवी बाई डी टी क्या होता है ए होता है एक्सेलरेशन होता है, तो आप फटाफट ये सब चीजें कवर कर लोगे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बस स्ट्रॉन्ग मतलब बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए और ऑलरेडी मैंने इसका वन शॉट बनाया है और मैं तो मैथ्स का ही पार्ट लेता हूँ मैथ्स का, तो फिजिक्स वाला ये पार्ट तो जो मैंने पहले पढ़ा है उसमें आपको हेल्प करता है, पर धीरे धीरे आपने मुझे फिजिक्स वाला सर बना दिया है, पर एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मेरा मैथ्स है। हाँ मैं जो मेरे टाइम पे मैंने पढ़ा है, अब देखो कोई भी अगर टॉप करता है तो उसको हर एक सब्जेक्ट पता होता है, तो बस वही वाला मैं आपको वही चीजों में मैं आपको हेल्प करते जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा हेल्प हुआ है, पर मेरा मेन सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है, तो मैंने बोला देखो ये सब चीजें अगर आपको पता है देखो ये देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो और आराम से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन, ये देखो ये पूरा का पूरा देखो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर अगर पता है तो यहाँ से देखो जस्ट आप फटाफट सीखो। जिसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता वो थोड़ा सा ऊपर कर ले, थोड़ा सा नीचे कर ले, बीच वाला याद कर ले, थोड़ा बहुत चीज फेंक दे, थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स देता, अगर खाली करके आओगे तो नहीं मिलेगा। वे ऑप्टिक्स नहीं किया तो चलेगा क्या? रौनक अगर आप स्कोर कितना चाहते हो, अगर वे ऑप्टिक्स में बस एक ही डेरिवेशन आपकी वजह से कल रात 3 बजे तक कर लिया बैठ कर किया, थैंक यू सो मच। मैंने बोला ना फिजिक्स 2 तो भाई देख लो वीडियो, क्योंकि फिजिक्स 1 में कैसा है पता है लास्ट मोमेंट पे करने जाओगे तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे डेरिवेशन से, तो आप डेरिवेशन वैसे नहीं बता सकता मैं कि ये वाला पॉइंट याद रखो ये वाला, हाँ थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, पर डेरिवेशन में कैसा होता है कि आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन दिमाग से बिठाना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद इसमें ये जो अपना ऐप एप्लीकेशन में ये नोट्स है इसमें से आप थियरी देख सकते हो, जो छोटे छोटे थियरी है तो वो सब देख सकते हो। इसको कैंसिल कर देना, एमजी साइन थीटा है। जैसे अभी अगर आपको समझना है ना, मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया कौन कौन मेरा पंच का भाषा 3.0 में था 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कौन था, 15 दिन पहले उसमें मैंने सब सिखाया है कौन कौन स्टूडेंट थे 15 दिन पहले। मेरे को आज भी फील होता है सर्किट स्किप कर दूं क्या भाई, क्या क्या स्किप करोगे यार लाइफ में। और आपको बताना चाहूंगा अपना ये चैनल 200K पहुंचने वाला है, ओनली 1200 सब्सक्राइबर बचे हैं, अगर आप कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी हम मेहनत तो करेंगे ही है। और सुबह वाला सेशन चाहिए क्या? सुबह वाले सेशन में आपके पास नजरों से घुमाएंगे, ये मत सोचो कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी खुद से पढ़ने बैठो, परसों से एग्जाम के पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ, एग्जाम के पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ, बट क्या करूँ जब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आप लोग मेरी बात मानोगे। रेफरेंस सर्कल मेथड में देखो ये मैंने बताया, इसमें ये बताया कि हर सर्कल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, ये डायग्राम और साथ में ये इक्वेशन, सेकेंड पेंडुलम में टी इक्वल टू टाइम पीरियड 2 होता है ये याद रखना, उसका लेंथ 1 मीटर होता है। एंगुलर में बस एफ इक्वल टू माइनस, वहां क्या था एक्स था, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ टॉर्क इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ओके एंगुलर में, लीनियर में एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था, यहाँ क्या हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू थीटा हो जाएगा। बस 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 फिर अगर ऊपर वाला डेरिवेशन जिसको आता होगा ना राहुल सर, नीचे वाला डेरिवेशन कर ये तो पूरा मैक्स है पूरा, और ये दोनों में डिफरेंस भाई इसमें तो मैक्स ही है भाई, ये इनको तो करना ही भाई, इनको तो करना ही भाई, ये पूछा गया भाई, भाई ये पूछा गया भाई, भाई ये पूछा गया, देखो बहुत बहुत इजी है दोस्तों। देखो यहाँ पे ओन ओन ऑफ इट्स ओन लिखा है और दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लिखा है, देखो यहाँ पे विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिखा है, यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो भाई सिंपल लिखा भाई, ये भाई इनको तो सॉल्व करना ही है भाई, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो भाई भाई इनको तो पेपर लिखना ही है, तो भाई याद से आपको ये तो पूरा पढ़ के ही जाना है भाई, भाई एक बार पढ़ लेना तो भाई इनको करना ही है भाई। रेजोनेंस का थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेना और डैम्प ऑसिलेशन का छोटा सा ये भाई, इनको तो ये डेरिवेशन सॉल्व करना ही है, तो देख लेना फटाफट खत्म। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने एक वीडियो बनाया है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सर्च करो आपको मिल जाएगा, गिरी ट्यूटोरियल सर इसमें बता दो, ये भी पूरा पूरा मैथ है, पूरा मैथ है, इनका मैथ स्ट्रांग है। देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, एक लाइन पढ़ना है ट्रांसवर्स वेव, देन इसके बाद देखो ये नोट्स अगर आप देख लोगे ना, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया ना तो देखो फटाफट अगर आप इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज आया तो फटाफट यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे कवर करना है, तो बस ये एक मैक्स की तरह इस डेरिवेशन को आप लेके जा सकते हो, पूरा का पूरा मैक्स की तरह भाई कैलकुलेशन, बस ये 2 याद रखना है, दोनों को प्लस करना है, दोनों प्लस करने के बाद राहुल सर वो वाला फॉर्मूला हम सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, देखो y1 + y2 a1 sin ओमेगा t a2 sin ओमेगा t,
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, इनको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आपको पता ही है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग चीजें सॉल्व किया, साइन ओमेगा टी ऐसे ही रखना है, ये देखो इसके यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, और जस्ट उसके बाद आप देखो एम्पलीट्यूड आया, एम्पलीट्यूड आया तो देखो इनको ना ये दोनों राहुल सर ये जो दिया हुआ है ना एम्पलीट्यूड आया, तो ये जो हमने पुट किया हुआ है इसमें स्क्वायरिंग और एडिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग और एडिंग करें, इनको करना ही पड़ेगा भाई, बोलने का वे तो नेचुरल है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले पार्ट में भी वही किया है, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे, देखो दोनों का लिखा है, फिर दोनों को ऐड किया है, ऐड करने के बाद उसको एक्सपांड किया, एक्सपांड करके आप वहां तक पहुंच गए, तो मैंने बोला कि ये वाला लेसन अगर जिनका मैथ्स थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, मतलब थोड़ा बहुत मैक्स मतलब वैसा वाला मैक्स नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत पता है तो आप फटाफट ये चीजों को कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, देखो इसके अंदर क्या पता रहना चाहिए पहले बता देता हूँ, देखो आपको ये टोटल लेंथ पता रहना चाहिए, टोटल लेंथ लैम्ब्डा होता है, इसका आधा वाला लेंथ जो होता है वो लैम्ब्डा बाय 2 होता है, और ये वाला फॉर्मूला पता रहना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला v इक्वल टू एन लैम्ब्डा, ओके v इक्वल टू एन लैम्ब्डा, तो अगर आपसे कोई पूछे तो उनको बता देना कि हम आए थे l इक्वल टू, ये पूरा का पूरा लेंथ जैसे अभी इसमें पूरा दिया, पूरा एक अगर ऐसा दिया हुआ है, कैसा ऐसा, ओके कैसे बनाओ कहा बनाओ, ये देखो अगर कहीं ऐसे दिया हुआ है ऐसे, तो इसका लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ टोटल लैम्ब्डा हो गया, बट कहीं जैसे इसमें देख लो, इसमें देख लो, ये रफ कर दूं मैं थोड़ा, इसके अंदर यही समझना है बस, हट ये देखो ये आधा ही है, तो ये लैम्ब्डा बाय 2 है, इसमें पूरा है ये लैम्ब्डा, समझ में है राहुल सर, बस ये याद है, ये फॉर्मूले में बस पुट करना है, ये लेंथ v इक्वल टू n लैम्ब्डा, इससे हमें लेंथ से हमें लैम्ब्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और डायरेक्ट ये पुट कर देना, समझ में है राहुल सर, आगे फटाफट जल्दी 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 भाई, देखो ये वाला तो पार्ट अच्छे से करके जाना भाई, इनको तो करना ही है, तो भाई ये देखो लॉ ऑफ लेंथ ये सब फटाफट आपको समझ में आ जाएगा, ये देखो ये देखो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, ये फटाफट इसी नोटेशन से, तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें ये तो नॉर्मली सब कर सकते हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझो ये नहीं आ रहा है बिट्स का डेफिनेशन देख लो, तो वहां से देखो ये जो इसका डेरिवेशन है, हाँ तो फटाफट ये देखो पूरा खत्म हो गया, ये एप्लीकेशन में आपको बस ये पता होना चाहिए बस, और लास्ट लेसन में जो आपके प्रीवाईक्यूज है, जैसे अगर आप उसके अंदर ध्यान से देखोगे, देखो मैं कुछ बता दे रहा हूँ, पोलरॉइड्स है, उसके दो यूजेस है, वो कवर कर लो, बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा देख लो एक बार, अगर अच्छे से आप देख सकते हो, देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखने, हाँ हाँ तो वो देख लो, और बाद में डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है वो आप देख लो, हाँ ब्रेस्टर्स लॉ देख लो अच्छे से, देन इसके बाद अगर आप ध्यान से, अगर आपसे हो रहा है आइगन प्रिंसिपल हो रहा है तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और दो कंडीशन एटलीस्ट आपको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का पता होना चाहिए, तो बोला जाए तो ये पूरा का पूरा फिजिक्स 2 की तरह ये थ्योरी वाला लेसन है, तो आप अगर फटाफट चीजों को देख लोगे तो आपकी चीजें कवर हो जाएगी, 50-60% थ्योरी है और बाकी डेरिवेशन है, देखो रिले जस्ट रिजॉल्व वेल रिजॉल्व और अनरिजॉल्व, ये दोनों ये तीनों चीज आपको पता रहे, थोड़ा थोड़ा चीज पता रहना चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला भी पार्ट आपको करना चाहिए, और यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है जो मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ पे गया यार, एक लेसन में है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक था, हाँ देखो ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये इसके ऊपर जो है इतने जो मैंने क्वेश्चंस किए इतने अगर आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ये जो नोट्स है बार बार लोग लिख रहे हैं कहाँ मिलेगा, प्रदीप वीर एकेडमी के एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट में नोट्स अवेलेबल है, वहां पे आप फटाफट अभी चले जाओ, और मैं देखो जो सच है वो बता रहा हूँ कि अब आपको लेक्चर्स देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद चीजों को पढ़ना, सबसे पहले बोल रहा हूँ फिजिक्स 2 रेडी कर लो, फिजिक्स 2 के कल परसों मैंने एक लेक्चर्स लिए जिसमें 4 लेसन कवर किए, फिजिक्स 1 का मैंने 5 लेसन कवर किया, और ये वाला पहले भी करवाया था, तो आज हमने एक बार रिवाइज कराया, तो फटाफट आप काम पे लग जाओ, जितना जल्दी आप चीजों को फटाफट रिवाइज करना है। सो गाइस पंच का बादशाह 3.0 जब चल रहा था तो 10 दिन पहले भी राहुल सर रात को लेक्चर लेते थे, पंच का बादशाह जब 10 दिन पहले चल रहा था एग्जाम से पहले तो भी हमने पूरा सेशन कंप्लीट करवाया था, और इसके बाद हमने उसको ग्रुप में भी शेयर किया था, साल भर डिटेल में पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे आते नहीं थे, सोए हुए थे, उनका नींद नहीं खुल रहा था, और आज वो सोच रहे हैं कि एक दिन में पूरा का पूरा डेरिवेशन उनको दिमाग में घुस जाए, सच को भी मानना पड़ेगा,
कि एक दिन में अगर 100 डेरिवेशन में से अगर डेरिवेशन करने चाहोगे तो ना ये चैप्टर ना वो चैप्टर, कम से कम एटलीस्ट अगर पास होना है तो आप 3-4 चैप्टर कर लोगे तो भी हो जाएगा, पर अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपका 50 स्कोर का, जैसे कोई बच्चा 50 लिख रहा है तो 50 में 30 मिल चुका है, 20 मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए कम से कम सेक्शन ए सेक्शन बी आपको करना है, इनको तो करना ही पड़ेगा। समझ में? हाँ प्राची, प्राची भाई ये प्राची का ही हाँ कर रहा है। अब सीटी के बारे में कुछ, राहुल सीटी के बारे में अनाउंसमेंट शाम को करेंगे, शाम को अनाउंसमेंट शाम को करेंगे सीटी से रिलेटेड, अभी नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है, ओके पीडीएफ नहीं ओपन हो रहा है फ्री सेक्शन का। यश आपके पास एक नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, वो नंबर पे कॉल करो, आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। सर पंच का बादशाह नॉनस्टॉप 3.0 कभी है? आप कौन सी दुनिया में हो भाई? सर बस 60 चाहिए। देखो बस चाहिए से कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ता है। ओके तो चलो यहाँ सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से हमने पूरी चीजें बताई और आपने बहुत अच्छे से किया। मॉर्निंग का सेशन चाहिए तो कमेंट करो, बताओ मुझे मॉर्निंग का सेशन चाहिए 6 बजे। वैसे तो मैं बोलूंगा कि रिवीजन तो आप कर ही सकते हो अपने साथ, मैं बोल रहा हूँ यार मेरी बात सुन लो, सच्चाई है, नहीं तो पेपर दे के आओगे ना तो मैं बोलूंगा आप लोगों को, सच्चाई ये है कि आपको खुद को लेके बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। समझ में? सच्चाई ये है, आप मेरी बात मानो ना मानो। सर यहाँ के सर ये गेस पेपर मिल रहा है, वो पेपर मिल रहा है, वो पेपर मिल रहा है, फिर उन्हीं को जाके आप कमेंट करोगे सर ये क्या दिया था, और फिर वो आके बोलेंगे देखो ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो सर ने बताया उसको फॉलो करो, कितने साल हो गए बताते हुए। देखो बाद में कुछ नहीं किया जा सकता, फिजिक्स ये पास्ट हो जाएगा और फिर क्या ही करोगे। इसलिए बोल रहा जितना दम लगा सकते हो लगा दो, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। डेरिवेशन का क्या करें? डेरिवेशन नहीं हो रहा तो डायग्राम और स्टार्टिंग का 2 पॉइंट एंडिंग का 2 पॉइंट रख लो बस। अगर सेशन चाहिए तो कमेंट नीचे कर देना, हम उसे आपसे डिसाइड कर लेंगे कि हम रखें कि क्या करें। ओके चलो बाय 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 बाय।